एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, और मैं अच्छी हूँ। और ये तोड़ रहे हूँ तुलसी पत्ता, मेरे पीछे का तुलसी पेड़ है ये। जो पूजा करती हूँ वो नहीं तोड़ती हूँ, टॉच भी नहीं करती हूँ, नहीं नहाए हुए। और ये पीछे का है तो इसका ही मिट्टी वगैरह बनाती हूँ लेके, तो चाय बनाऊँगी। और ये लेमन ग्रास लूँगी, इसका भी चाय में डालती हूँ मैं। और हो गया मेरा चाय रेडी। इसमें डाली हूँ अदरक भी डाली हूँ इसमें। और चली मैं मेरी टी प्लेस, जहाँ टी का सुबह सुबह एंजॉय करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ बैठ के चाय पीने से अच्छी लगती है, अच्छी फील होती है, तो सेल्फ लव वाला टाइप का लगता है। तो यहाँ बैठ के मैं चाय पीती हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। और ऑयल लगा रही हूँ बालों में, समर सीजन में तो कंटिन्यू लगाने से चिपका चिपका टाइप का लगता है, तो लगा के 1 आवर रख दूँगी, फिर नहाने के टाइम धो दूँगी। और झाड़ू लगा रही हूँ, यही तो काम होता है सुबह सुबह। वैसे भी दोनों ही ज़्यादा डस्ट नहीं होता है, तो इतना भी डस्ट वगैरह नहीं होता है, क्लीन रहता है हमेशा घर, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है झाड़ू करने के टाइम भी। और मैं क्लीन करती रहती हूँ, और ये वाला रूम भी क्लीन कर रही हूँ। और धूप आ चुका है पूरा, और थोड़े देर तक मैं डोर को ओपन रखती हूँ। धूप घर में आना शुभ भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है, और जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो भी मर जाते हैं, तो धूप थोड़ा आना चाहिए। तो आधा घंटा तो खुला रखती हूँ गेट को, फिर दे देती हूँ। और इतना ज़्यादा भी गंदगी नहीं होता है मेरा घर, क्लीन में करती रहती हूँ अप टू डेट। तो हो गया आधा काम, और गैस क्लीन कर दी हूँ आधा, फाइनल टच ये है। और गैस भी मैं चाय बनाने से पहले की जो भी हो क्लीन ही करती हूँ, और वो इंडक्शन में बनाई थी मैं चाय, और अच्छे से क्लीन हो गया ये। कुछ करने से पहले ज़रूर मैं क्लीन करती हूँ। और ये ली हूँ आलू, बनाऊँगी डोसा, और उड़द दाल राइस को रात भर भिगो दी थी 6-7 घंटे के लिए, और ऐसा है उसको ग्राइंडिंग कर दूँगी अभी नमक डाल के। ग्राइंडिंग हो गया है, छिलका वाला है तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, और मुझे बिना छिलका अच्छी नहीं लगती। और चढ़ा दी हूँ पैन, ऑयल डाल दी हूँ इसमें मसाला बनाने के लिए, आलू वाला डोसा के अंदर जो डालते हैं वही बना रही हूँ। थोड़ा राई डाल दी, ली हूँ हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, टमाटर और आलू, उबला हुआ आलू। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर डालेंगे कड़ी पत्ता, फिर डालेंगे प्याज, प्याज को बारीक में कट ली हूँ। और ये दोनों के लिए 2 डोसा बनाऊँगी, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इसको, ज़्यादा तो मैं भी नहीं खा पाऊँगी कि वो भी नहीं खा पाएंगे, तो 2 ही बनाऊँगी। और पहला एक्सपेरिमेंट है भाई, कुछ मतलब क्या होगा नहीं पता, ऐसे बना रही हूँ, टेस्टी होगा कि कैसा होगा। डाल दी हूँ टमाटर, आलू मैशर कहाँ रख दी हूँ, मेरा तो यही हाल है, तो ऐसे ही चम्मच में मैश करना पड़ेगा इसको। फिर नमक डाल दी, फिर थोड़ा सा पानी डाल दी इसमें, क्योंकि जल जाने से अच्छा नहीं लगता। थोड़ा हल्दी डाल दी,
मिर्च पाउडर थोड़ा डाली, और धनिया पाउडर, और ये लगभग हो चुका है आधा। धनिया पत्ता अवेलेबल है लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं धनिया पत्ता का, तो मैं ऐड नहीं करूँगी। और ये कितना है जो मेरे अकेले लिए डालूँ, तो नहीं डाल रही हूँ उसमें। और ये लगभग हो चुका है, हमारा डोसा बैटर भी हो चुका है। थोड़ा नमक डाल रही हूँ उसमें, आधा चम्मच सोडा, आधा चम्मच ऑयल, अच्छे से मिला लेंगे इसके और ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। ढक दूंगी इसको, और मूंगफली थोड़ा भून रही हूँ। दोनों के लिए ही चटनी बनाना है, और इसका छिलका भी उतार दूंगी भून के। और नारियल, हरी मिर्च और बादाम और थोड़ा अदरक और नमक दे के पीस दूंगी, और फिर छौंक लगा दूंगी इसमें। और ये ले ली हूँ नारियल, हरी मिर्च, और ये छिलका उतार दी हूँ। और डोसा बनाने के लिए थोड़ा ऑयल डाल दी हूँ, और जो बैटर था उसको डाल दी इसमें। थोड़ा मोटा था ये, लेकिन टेस्टी था, इतना भी बुरी नहीं थी। और इसमें थोड़ा सा बीट ग्रेट करके डाल दी, थोड़ा सा गाजर, जो मसाला बनाई थी वो डाल दी, फिर थोड़ा सा सेब भुंजिया जो नहीं होता है कैसे पैकेट वाला था वो डाल दी, और ये दूसरे की तैयारियाँ छोंक लगा दूंगी जो चटनी बनाई थी। ऑयल डाल दी, सूखी मिर्च और राई डाल दी, और चटनी डाल दी, और चटनी रेडी हो गया है। फिर डोसा बनाएंगे, और एक ठो दो ठो ही बनाऊंगे। फिर वही वाला अच्छे से पोछ ली, फिर डाल दी डोसा बैटर, फिर मसाला डाल दी, फिर बीट ग्रेट करके डाल दी गाजर, फिर इसमें सेब भुंजिया डाल दी, और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और बनाऊंगी बैगन और खड़ा का प्लेन सब्जी। ये सिंपल सा गांव में मेरे मम्मी बनाती हैं। ऑयल डाल दी, राई डाल दी, सूखा मिर्च, कड़ी पत्ता, प्याज डाल दी, भून दी, और इसमें जो उबला हुआ बैगन और खड़ा डाल दी, नमक डाल दी, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर डाल दी, और बेसन, जो बेसन को पानी में घोल दी थी उसको डाल दूंगी अभी। और आम, जो सूखा आम, आमबुल बोलते हैं, उसको भिगो के रख दी थी, उसको डाल दी, और इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये हो गया, ज़्यादातर ओडिया लैंग्वेज में आमबोल खटा बोलते हैं इसको, तो वही बनाई थी। और ये लगभग हो चुका है, देखो लास्ट में ऐसा होता है। मेरी मम्मी बनाती थी, सिंपल रेसिपी है, कॉम ऑयल में होता है। और ये आलू मैश कर ली थी, नमक डाल दी थी, और ये सब्जी भी रेडी हो गया है। और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, छोटा सा पैन ली हूँ, उसमें ऑयल थोड़ा डाल देंगे, और राई डालेंगे, और ये दो सूखा मिर्च, और उसको ऐसे डाल देंगे। ये हो गया, यही थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन। आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। लता की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, तो टेक केयर, ऑल ऑफ़ यू।